21 फरवरी नेपाल और नेबेबिया के मैच में एक कांड हो गया है। बहुत ही शर्म की बात है नेपाली फैंस के लिए। आगे मैं बताता हूँ हुआ क्या है। उससे पहले इस ग्राउंड पे 4 मैच खेला गया है आईसीसी वर्ल्ड कप लीग 2 का। चारों मैच में जो पहली बार बैटिंग करने आया वो ऑल आउट हो गया एक लो स्कोर पे। अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये बॉलिंग पिच है। आप लोगों का मैं 4 मैच जो हुआ है उसका मैं हाल बताता हूँ। पहला मैच नेपाल वर्सेस नेबेबिया। नेपाल बैटिंग करने उतरता है, 41 ओवर में सिर्फ 132 रन बना पाता है, ऑल आउट हो जाता है। वहीं पे नेबेबिया बैटिंग करने उतरता है, 33 ओवर में एक गेम को जीत लेता है, 33 ओवर में 134 रन बनाता है, 4 विकेट से ये मैच जीत लेता है। दूसरा मैच का भी हाल सुनिए, नेदरलैंड वर्सेस नेपाल। नेदरलैंड बैटिंग करने उतरता है, 39 ओवर में 137 रन बना के ऑल आउट हो जाता है। वहीं पे फिर से नेपाल बैटिंग करने आता है, ये गेम 15 ओवर में 141 रन बनाता है नेपाल, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे, यानी कि 9 विकेट से ये गेम को जीत लेता है नेपाल। अब बताओ, शुरू में जब नेदरलैंड बैटिंग करने आया तो बॉलिंग पिच हो गया, और वहीं पे नेपाल बैटिंग करने आया तो बैटिंग पिच हो गया, सेम पहले मैच जैसा। अभी तीसरा मैच का भी हाल सुनिए, नेबेबिया वर्सेस नेदरलैंड। नेबेबिया बैटिंग करने उतरती है, 35 ओवर में सिर्फ 123 रन बना पाती है, ऑल आउट हो जाती है। वहीं पे नेदरलैंड्स बैटिंग करने आता है, 27 ओवर में एक गेम जीत लेता है, वो भी 7 विकेट से, सिर्फ 27 ओवर में। अब बात करें फोर्थ मैच की, यानी कि कल की 21 फरवरी की मैच, नेपाल वर्सेस नेबेबिया की। नेबेबिया टॉस जीत लेता है, नेपाल को बैटिंग का निमंत्रण देता है। नेपाल बैटिंग करने आता है, वही पनौती जो पहली बैटिंग करने आता है वो ऑल आउट हो जाता है, सेम एक पहले जैसा। 168 पे नेपाल 38 ओवर में ऑल आउट हो जाता है। वहीं पे नेबेबिया बैटिंग करने आती है, लेकिन इस बार नेपाल के पास एक पनौती वाला जो लोग बोल रहे हैं इसको तोड़ने के लिए एक मौका था। नेपाल ने बहुत फाइट किया इस मैच में, जान लगा दिया अपना। नेबेबिया ने सिर्फ 2 विकेट से जीत पाया इस मैच को। 40 ओवर तक मैच चला गया था, 8 विकेट गिर गया था नेबेबिया का। बहुत ही रोमांचक मैच हुआ, लेकिन अफसोस करें क्या हम, अनफॉर्चुनेटली जो पनौती शब्द है वो तो पीछा छोड़ने वाला नहीं था, 2 विकेट से नेबेबिया जीत गया। इसी मैच में मैं एक अनाउंसमेंट सुना, और ये सुन के मुझे बहुत शर्म लगा कि ये हो क्या रहा है, ये एक इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। ऐसे मैच में ऐसा अनाउंसमेंट सुन के मैं तो दंग हो गया कि भाई साहब हो क्या गया है। अनाउंसमेंट सुनिए, किसी को भी रूप रंग जाति धर्म पोशाक पे कोई इशारा या नाराबाजी ना करे। अभी तक आप लोगों ने कभी भी नेशनल इंटरनेशनल मैच में ऐसा अनाउंसमेंट नहीं सुना होगा, ये बहुत बेइज्जती वाली बात है। वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, कोचेज हैं, अंपायर हैं इंटरनेशनल, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, पूरा दुनिया ये मैच देख रहा है, और इसी बीच ऐसा अनाउंसमेंट जब लोग, बाकी दुनिया का लोग, क्रिकेट फैंस देखेंगे सुनेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि इतना टॉक्सिक फैंस, नेपाली फैंस हैं यहाँ पे कि क्या ही बात करें। इससे देश की छवि बहुत ख़राब होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ का एक स्थान होता है, अगर आप वहाँ पे जाके कुछ करेंगे तो आपका कोई वैल्यू होगा आपका बात का। अगर गलत जगह पे आप अगर ऐसा नाराबाजी या इशारा करते हैं तो आपका जो सही बात होता है उसको भी लोग गलत नज़र से देखने लगेंगे। और ये अनाउंसमेंट का रीज़न वही है कि जो मैच जो हो रहा था, एक मैच के दौरान संदीप लामेछाने के सपोर्ट में जो नाराबाजी हुआ था, पुलिस के साथ मुखभेड़ हो गया था, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से ये अनाउंसमेंट होने लगा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए एक इंटरनेशनल मैच चल रहा है, यहाँ पे ऐसा सारा नारेबाजी नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।